हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSS विजन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग के सामने मैं आप अभी तक ज्योमेट्री की दो क्लासेस लिया हूँ। ज्योमेट्री की पहली क्लास में आपको पॉइंट और लाइन के बारे में बताया था, और सेकेंड क्लास में हम लोग लाइन के टाइप के बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था और एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में बेटा कल पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब वो कैसे क्वेश्चन है, क्या है, वही सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि आपको क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, इन्हीं सारे क्वेश्चन को, 12 क्वेश्चन की सीरीज है। आज डेमो की थर्ड क्लास है, जो MPSI के लिए डेमो दिया जा रहा है स्पेशल रूप से, उसकी आज थर्ड क्लास है। आज के बाद से जो भी हमारे लेक्चर आएंगे ज्योमेट्री के, वो आएंगे ऐप पे। जो भी क्लासेस हमारी ज्योमेट्री नहीं, और भी जो भी लेक्चर आएंगे, वो सारे लेक्चर ऐप पे आएंगे। उसके लिए आपको ऐप पे जाके स्टोर ऑप्शन है, स्टोर पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको बैच दिखाएगा, वहाँ से बाई नाउ का ऑप्शन है, वहाँ से आप 990 रुपीज़ का हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। और वो बैच 4 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। जब ऑफलाइन क्लास खुलेंगी तो वो 999 ऑफलाइन फीस में क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं आपसे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है, आप आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ OT, पहले तो ये डायग्राम देखिए, मैं आपके सामने यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहे। ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है PO, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार डायग्राम चेक कर लेता हूँ। हाँ, POQ एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ बना हुआ है, ये T है, उसके अलावा इधर ये R है और ये S है ना, ये है डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा है। अब डायग्राम में क्या क्या कह रहा है वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कह रहा OT और OS आर द बाई सेक्टर ऑफ एंगल POR एंड QOR। OT और OS, ये जो OT है, ये जो OT है, ये एंगल बाईसेक्टर है किसका, POR का। बात समझ में, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मैं लाइन करके ऐसे क्रॉस करता हूँ, समझ जाना ये लाइन क्या है, एंगल बाईसेक्टर। लेकिन ये किसकी एंगल बाईसेक्टर है, ये एंगल POR की एंगल बाईसेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एंगल बाईसेक्टर है बेटा, तो अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, x होगा। क्योंकि एंगल बाईसेक्टर का काम ही होता है कि दिए गए एंगल्स को दो बराबर भागों में बांटना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एंगल एक लाइन है OS, ये देखिए OS लाइन है, ये भी एंगल बाईसेक्टर का काम कर रही है। लेकिन ये किसके लिए एंगल बाईसेक्टर का काम कर रही है, एंगल QOR के लिए एंगल बाईसेक्टर का काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है, एंगल QOR के लिए ये वाली लाइन एंगल बाईसेक्टर का काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला एंगल वाई होगा तो ये भी वाला एंगल क्या होगा, वाई होगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है एंगल TOS का मान क्या होगा। TOS मतलब ये TOS, देख रहे हो नहीं दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। ये TOS आप देख रहे हो, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये TOS आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है, एंगल TOS का मान बताना है। आप देखिए एंगल TOS का मान कुछ है नहीं, ये x और ये y है। अगर मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाए, मतलब x प्लस y पता चल जाए, वही एंगल TOS होगा। और ये जानना आपके लिए बहुत आसान है। आप बताओ यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक पूरा घूम जाऊँ, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक घूम जाऊँ, तो आप देख रहे हो ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, इसका मतलब इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, अगर मैं चारों एंगल्स को जोड़ दूं तो उसका मान 180 होगा, मतलब 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री होगा तो बता x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। और x प्लस y ही हमारा क्या है, एंगल TOS। तो TOS एंगल का मान क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आज आपके सामने नहीं लेके आया हूँ, सारे ही क्वेश्चन आसान है। और जो भी क्वेश्चन है वो जो कल मैंने पढ़ाया था, सारी क्वेश्चन उसी के ऊपर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसको हटा दे रहा हूँ, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहले मैं आपके सामने एक बार फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, जैसे कि आपको फिगर साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि हो सकता है आपको उसमें फिगर नहीं साफ दिख रहा हो, इसलिए मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। ये CD है, ये एक लाइन ऐसे है,
उसके अलावा एक लाइन ये ऐसे है, ये समथिंग कुछ ऐसे हैं, है ना, और एक लाइन ये इस तरह से आई है ना, कुछ ये डायग्राम है ना। इसका नाम इन्होंने ई दे रखा है, इसका नाम सी है, ये ए है हमारा, ये हमारा ओ, ये डी है हमारा, ये हमारा बी है ना, और ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री दिया है, और ये एंगल कितना दिया है 20 डिग्री दिया है, और ये हमें ओ दिया गया है ना, यही तो है डायग्राम में, ये ई है, ये ए है, ये सी है, ये ओ है, ये डी है, और ये बी है, सही है एकदम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एक बार आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो फिगर है इसमें कह रहा है ई सी ए बी के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है बेटा ई सी, ये किसके पैरेलल, ए बी के, मतलब ई सी लाइन और ए बी लाइन आपस में क्या है, समानांतर है या पैरेलल है। कह रहा है एंगल ई सी डी 70 डिग्री है, ये वाला एंगल देखिए कितना है बेटा 70 डिग्री है। आगे कह रहा है एंगल बी डी ओ, बी डी ओ ये वाला एंगल कितना है 20 डिग्री है, तो आपसे कह रहा है एंगल ओ बी डी का मान बताना, ओ बी डी का मतलब कौन सा, ओ बी डी, इस वाले एंगल का मान आपको बताना है, इस वाले एंगल का ना, इस वाले एंगल का मान बताना है, ठीक है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, आप खुद बताइए कि अभी अभी मैंने कहा ई सी लाइन ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। अगर ई सी लाइन ए बी लाइन के पैरेलल है तो ये जो सी डी लाइन है, ये जो सी डी लाइन है एक तरह से ये तिर्यक रेखा का काम करेगी कि नहीं करेगी, तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। अगर सी डी लाइन तिर्यक रेखा का काम करेगी तो बताओ दो समानांतर रेखाओं को, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण होगा कि नहीं होगा, कल मैंने बताया था, क्योंकि देखो ये भी पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है और ये भी पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा, तो ये दोनों कोण क्या होगा, संगत कोण होगा। अगर संगत कोण होगा तो बेटा अगर ये 70 डिग्री तो बेटा ये भी 70 डिग्री होगा, बोलो मेरे भाई, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अगर ये 70 डिग्री है तो अच्छा ये बताओ, अब ये वाली लाइन देख रहे हो ये पूरी, ये बताओ स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे, तो बताओ ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 180 होगा, अगर 180 में 70 हटा दो तो ये कितना बचा, 110 बचा, बचा कि नहीं बचा, बचा। अच्छा अब कहानी खत्म हो गई, बताओ एक तरह से ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, अगर 180 होता है तो बताओ ये 110 है, ये 20 है, तो 130 हुआ, तो 180 में से 130 घटाओगे तो ये कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 50 डिग्री, और ये देखिए बी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग पहले करके दिखाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले आप लोग करके देखा, आप लोग भी ट्राई करिए मेरे साथ साथ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। चलिए पहले मैं आपके सामने डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये डायग्राम कुछ ऐसा है ये ना, उसके अलावा कुछ ऐसा गया है, फिर ऐसा हुआ है ना समथिंग, और फिर ये भी है ना, ऐसा है डायग्राम। इसको नाम दिया गया ई, ये है हमारा एफ, ये है हमारा बी, ये है हमारा ए, ये हमारा सी और ये है हमारा डी ना। अब इस डायग्राम में कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी ये, अच्छा ये वाली लाइन, ये ए बी आप देख रहे हो, ये सी डी के क्या है, पैरेलल उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये आप अगर दिया गया क्वेश्चन में तो आप सपोज कर लीजिए कि ए बी जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है। आगे कह रहा है एंगल ए बी बराबर 130 डिग्री, ए बी ए बी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है बेटा 130 डिग्री है, एंगल ए बी की वैल्यू 130 डिग्री दी गई है। एंगल बी ई डी बराबर 20 डिग्री, बी ई डी, बी ई डी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया गया, एंगल बी ई डी का मान 20 डिग्री दिया गया है। कह रहा है एंगल ई डी सी की वैल्यू कितनी है, वाई है, ई डी सी, ई डी सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल वाई डिग्री का है, तो कह रहा है यही वाई का मान आपको निकालना है, किसका मान निकालना, वाई का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आसान है। आइए देखते हैं, आप बताओ ये पूरा देख रहे हो बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बताओ ये स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन एंगल बना तो बताओ ये पूरा एंगल 180 होगा, तो 180 में से 130 गया है, कितना बचा, 50 बचा, बचा कि नहीं बचा,
बोलो मेरा भाई, क्लियर है सबको? अगर ये 50 बचा तो बताओ ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। अगर ये 50 है, ये 20 है, तो 50 20 70, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। तो 50 20 70, 180 में 70 या कितना बचा? 110 बचा। क्लियर है? अच्छा अब मेरी बात सुनना यार, ये बताओ अगर ए बी ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो जो ये बी को आगे बढ़ा के तो ये एफ तक गया है, तो बताओ ए बी एफ भी मैं कह सकता हूँ सी डी के पैरेलल है? नहीं समझे भाई, जैसे ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसी बी को आगे बढ़ा के तो एफ तक किया गया है, तो जैसे ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैं ए बी तो कह सकता हूँ, जो ए बी एफ होगा वो भी सी डी के क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होगा तो बताओ ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समानांतर है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताओ अगर पैरेलल लाइन के अंदर ये 110 है तो पैरेलल लाइन के अंदर ये भी कितना होगा? 110 होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 110 आ गया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया? 110। नहीं बताया था ना मैंने, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ भाई, ये 130 है, पूरा एंगल 180 होता है, 180 में से 130 गया, कितना बचा? 50। अगर ये 50 ये 20 दिया था तो 110 होगा, क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में 70 या कितना बचा? 110। और बताओ ये जो ए, वैसे हमको ए बी एफ पैरेलल नहीं कह रहा था, लेकिन आप बताओ अगर ए बी पैरेलल है तो इसी बी को तो आगे बढ़ाया गया ना, तो जो एफ बी ए या ए बी एफ लाइन है वो सी डी के पैरेलल होगी, और ये जो डी लाइन है, जो ई डी लाइन है, ये एक तरह से तिर्यक रेखा का काम करेगी। अगर तिर्यक रेखा का काम करेगी तो बताओ ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के अंदर ये 110, तो पैरेलल लाइन के अंदर ये भी क्या होगा? 110, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी ज्यादा कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन ही है, चाहो तो आप लोग कर भी सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, कहिए तो मैं आपके सामने फिगर बना भी दे रहा हूँ, ये है फिगर ऐसा ना, ये एक ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन है, और इसमें समथिंग ये ऐसा दिया गया है ना, और ये कुछ ऐसा है। ठीक है, उतना एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ लगभग लगभग मैं वैसा ही फिगर बना रहा हूँ। ये डी है, ये सी है, और ये ओ है हमारा, और ये ई है ना। फिगर में कह रहा है ये वाई डिग्री है, ये वाई डिग्री है बेटा, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 2x डिग्री है, ये हमारा 3x डिग्री है मेरे भाई, और ये हमारा ये वाला हमारा 105 डिग्री है ना, ये 105 डिग्री है, और इस वाले पॉइंट का नाम O इन्होंने रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है दिए गए फिगर में AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक सरल रेखा है, कह रहा है x प्लस वाई का मान क्या होगा, मतलब ये जो x और y अननोन है इसमें x प्लस वाई का योगफल बताना। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, ये बता अगर मैं पूरा घूम जाऊं तो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ 360 डिग्री होगा, ये बात तो समझ में आता है बच्चों को, लेकिन बेटा बताओ अगर मैं केवल यहाँ से यहाँ तक जाऊं, यहाँ से यहाँ तक जाऊं, तो बताओ ये 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है? तो बताओ 180 में से 105 गया, 180 में से 105 गया, तो बताओ ये वाला एंगल 75 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, क्लियर है सबको? भाई ये पूरा 180 था, 180 में से ये वाला 105 चला गया, तो बचा कितना? 75 डिग्री। तो बताओ 3x की वैल्यू 75 है, अगर 3x की वैल्यू 75 है भाई, तो x की वैल्यू 25 डिग्री होगी कि नहीं होगी? ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अगर 3x बराबर 75 तो x बराबर 25, तो x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई कितना? 25 ना, 25 डिग्री, x की वैल्यू 25 आ गई। तो अगर मैं 25 को यहाँ पे रख दूँ, अगर 25 को यहाँ रख दूँ तो 2 × 25 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ ये वाला एंगल आ गया 50, ये वाला है 90, तो बताओ 90 में अगर 50 जोड़ो, 90 में 50 जोड़ो, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 में 50 जोड़ लो, 90 में 50 जोड़ो कितना आएगा? 140 आएगा। अगर ये 140 यहाँ से यहाँ तक पूरा 140 हो गया, तो बताओ ये पूरा एंगल भी तो 180 होगा, तो बताओ 180 में से 140 गया कितना बचा? 40 बचा। नहीं समझ बात आ गई? तो बताओ अगर x की वैल्यू 25 आ गई, y की वैल्यू 40 आ गई, तो फाइनली x प्लस वाई कितना आ गया? 40 में 25 जोड़ लो कितना आ गया? 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन 65 डिग्री आ जाएगा। समझ गया? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, कल भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आ जाऊंगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ये तो 105 था ही था, बताओ पूरा एंगल 180 होता है, 180 में से 105 गया कितना बचा? 75। तो 3x बराबर 75, तो x बराबर 75/3 बोले तो 25, तो x के लिए 25 आ गई, तो बताओ 25 यहाँ रखो, 25 दुना 50, तो ये वाला एंगल 50 हो गया, ये 90, 90 50 जोड़ो कितना आ गया? 140।
और 180 में से 140 गया, कितना बचा 40, तो x 25, y 40, तो 40 में 25 जोड़ लो कितना आ गया 65 आ गया। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हटा दी इसको, चलिए अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर बना हुआ है, कह रहा है एंगल बी ओ सी का मान बताना है। किसका मान बताना है? बी ओ सी का। पहले मैं आपके सामने फिगर बना दे रहा हूँ जैसे कि आपको थोड़ा सा अच्छा सा दिख जाए, है ना। ये देखिए ये एक है ना, ये एक ए बी लाइन है, ये एक ए बी लाइन है और ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है समथिंग, है ना, ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। ये हमारा ओ है, ये हमारा ओ पॉइंट है और ये हमारा, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे भी फिगर ज़्यादा सही से दिख नहीं पा रहा है। ये सी है और ये डी है, है ना, और ये ई है और ये क्या बेटा एफ है, है ये आप दिख गया सबको फिगर। क्वेश्चन में कह रहा है ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 31 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री वाला 31 डिग्री है। कह रहा बी ओ सी का मान बताना। बी ओ सी का मतलब बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला एंगल बताना है ना, बी ओ सी ये वाला एंगल बताना है, दिख रहा है ना सबको, ठीक है, बी ओ सी का मान बताना। आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप खुद बताओ मेरे भाई, मैं बताऊं, चलिए आप खुद बताइए कि अगर ये 40 है, ये 40 है और ये 31 है, तो 40 में 31 जोड़ोगे कितना आएगा? 71 आएगा, 71 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 40 में 31 जोड़ लो तो 71 आ गया, तो 180 में से अगर मैं 71 माइनस कर दूं, 180 में से 71 माइनस कर दूं, तो बताओ बेटा 109 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? 109 ही तो आएगा ना, नहीं कि कुछ और आएगा, यही तो आएगा 109 आएगा। भाई ये 40 है, ये 31 है, 40 में 31 जोड़ोगे 71 और 180 में से, क्योंकि ये पूरा एंगल तो 180 होता है ना, 180 में से 71 माइनस करो कितना आ गया 109। अच्छा बताओ, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल का, शेषा विमुख कोण, तो बताओ अगर ये बेटा 109 है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये भी कितना होगा? 109 होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इसी तरह बेटा अगर ये 40 है तो इसके शेषा विमुख कोण ये है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? 40 होगा, नहीं समझे? ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बताओ ये 109, ये 40, तो टोटल कितना आ गया? एंगल बी ओ सी का मान कितना आ गया? एंगल बी ओ सी का मान आ गया बेटा 140, 109 में 40 जोड़ लो 149 डिग्री आ गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। बात समझ गए? क्लियर है सबको? नहीं समझे? फिर से समझ लो भाई, ये 40 से 31 है, 40 से 31 71 होता है और 180 में से 71 गया, 109 बचा। और कल मैंने शेषा विमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल का एग्जांपल बताया था, तो अगर ये 109 तो ये भी 109 होगा, यही तो बताया था, ऐसे ही तो होता है ना, शेषा विमुख कोण याद आ रहा होगा, और ये 40 तो ये भी क्या होगा? 40 होगा, तो आंसर क्या होगा? 149 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपके एमपी कांस्टेबल या एमपी एसआई या जेल प्रहरी के एग्जाम में आ भी सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2x प्लस 17 डिग्री, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ 2x प्लस 17 डिग्री, ये एक एंगल है ना, और दूसरा एंगल है x प्लस 4 डिग्री। करे ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक कोण, कौन सा कोण? पूरक कोण, और मैंने कल पूरक कोण के बारे में बताया था। जरा ये बताओ अगर ये दोनों एंगल बेटा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर बेटा ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है पूरक कोण। और बताओ जब भी दो कोण आपस में पूरक होते हैं तो दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता? कल मैंने बताया था अगर दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा, तो क्या होगा? 2x प्लस 17 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो मेरे भैया। ठीक है, तो बताओ 2x में x जोड़ोगे 3x आएगा प्लस 17 में 4 जोड़ो 21 बराबर 90, है ना, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? ये 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 1 गया 9 आ गया ना, और 8 में से 2 गया 6, तो 3x बराबर 69 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 23 डिग्री आ जाएगा। बताओ भाई क्या था क्वेश्चन में, कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन सही है इसका। क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, कह रहा था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर पूरक है तो इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई प्लस, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 5y प्लस 62 डिग्री, 5y प्लस 62 डिग्री और 22 प्लस y डिग्री।
ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। कल मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण, बताया था ना कल का ये सब बात है ना। तो अगर ये दोनों संपूरक कोण है तो कह रहा वाई का मान क्या होगा, तो फिर वही चीज, अगर ये दोनों संपूरक कोण है तो दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, तो बताओ क्या होगा, 5y प्लस 62 प्लस 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ना, ठीक है। तो बताओ 5y में y जोड़ोगे 6y आएगा, और 2 2 4 और 6 2 8 बराबर 180 डिग्री ना भाई, तो 6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा क्या, यही तो आएगा, 10 में 4 गया 6 और 17 में 96 आ जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 6 36, y इज इक्वल टू 16 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही है। सारे क्वेश्चन आसान है और ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आएंगे भी, यही सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा भी। क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, पहले मैं फिगर आपके सामने बना दे रहा हूँ, फिगर समथिंग ऐसा है ना, यही तो है फिगर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या ई है, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है ये बी डिग्री है, सॉरी ये ए है, ये ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, और ये सी डिग्री है ना। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी डिग्री का मान क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी डिग्री का मान क्या होगा, ये ए डिग्री, ये बी डिग्री, ये सी डिग्री, कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी डिग्री मान क्या होगा। देखिएगा इसमें थोड़ा सा बेटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ अपनी तरफ से बनाना पड़ता है। देखिए कंस्ट्रक्शन संरचना करनी पड़ती है, क्या है कि इस वाले एंगल का मैंने क्या खींच दिया, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, क्या खींच दिया, इस वाले एंगल का मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो बताओ क्वेश्चन में कह रहे हैं जो ए बी लाइन है ये डी के क्या है, पैरेलल है। अगर ए बी लाइन डी के पैरेलल है तो मैं अब ये भी तो कह सकता हूँ कि जो ए बी लाइन है, सपोज दैट इसको नाम मैं एक्स वाई दे दे रहा हूँ, जो ए बी लाइन है वो एक्स वाई और वो डी, मतलब अब ये तीनों ही लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये तीनों ही लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, बात समझ में आ रही है। अच्छा अब बताओ ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो बी होगा वो दो बराबर कोणों में बटेगा, तो इसका मतलब मैंने इसको नाम दे दिया बी वन और इसको नाम दे दिया बी टू, ठीक है, बी टू नाम दे दिया, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बी वन है वो बी टू के क्या है, बराबर है, क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा या अगर आपको नहीं भी एंगल बाइसेक्टर का लाइन माननी तो उसको आगे देख लेंगे, चलिए पहले अभी समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। देखो अच्छा आप ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बताओ कि ये वाली लाइन देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली लाइन, ये लाइन देख रहे हो, ये जो Z शेप की बन रही, दिख रही कि नहीं दिख रही है, Z शेप की दिख रही है। अगर ये वाली लाइन आपको दिख रही तो बताओ जो B2 होगा, जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक अंतर कोण है, ठीक है। तो बताओ मैं कह सकता हूँ जो B2 होगा वो एंगल C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि भाई बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल और ये तिर्यक रेखा है, तो बताओ एक तरह से ये एकांतर कोण का काम करेगी ना, तो बताओ B2 जो होगा वो C के क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर है सबको, अब समझ बात आ रही है, ठीक है। अच्छा यार एक बात और बताऊं कि यहाँ पे ये वाला ये जो एक्स वाई लाइन है ये ए बी के भी तो क्या है, पैरेलल है। अगर x वाली लाइन ए बी के भी पैरेलल है तो बताओ अगर ये एंगल ए है तो बताओ ये भी क्या होगा, ये भी एंगल ए होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, समझ गया होगे, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पहले इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, होगा कि नहीं होगा, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा देखो आपसे पूछा गया ए प्लस बी माइनस सी पूछा गया है ना, देखो ए की जगह तो ए ही रहने दो, ए की जगह तो ए ही रहने दो, ठीक है, और B की जगह क्या लिख लो, B1 लिख लो ना, B1 प्लस B2, क्योंकि B को मैंने तोड़ा था किसमें, B1 और B2 में तोड़ा था, तो B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, B1 प्लस B2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, और माइनस C तो है ही है, क्लियर है, अब बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो A की जगह तो बेटा A है ही है, प्लस B1 और प्लस, कहानी अब देखो यहीं पे है,
बी टू मैंने सी के बराबर प्रूफ कर दिया था, किया था कि नहीं किया था, कैसे प्रूफ किया था, क्योंकि बी टू और सी आपस में क्या एकांतर कोण है, तो बी टू सी के बराबर था, तो मैं बी टू की जगह बताओ सी लिख सकता हूँ, और ये माइनस सी भी है, तो सी से सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ बचा क्या, ए प्लस बी वन बचा, और जो ए प्लस बी वन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन एंगल का काम कर रहा है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन एंगल का काम कर रहा है तो ए प्लस बी वन की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई, बताओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको ये वाली लाइन बाइसेक्टर नहीं भी माननी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई बाइसेक्टर नहीं मानोगे तब भी आंसर आ रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हमने एक लाइन खींची थी और क्वेश्चन में ये तो कहीं नहीं कह रहा था, अगर क्वेश्चन में ये कहता कि ये वाली लाइन बाइसेक्टर का काम करे तब मैं बाइसेक्टर कह सकता था, मेरे मुंह से हो सकता है वो गलती से निकल गया हो, लेकिन ये वाली लाइन बाइसेक्टर का काम तब तक नहीं करे जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए, ठीक है। बस हमने एक लाइन एक्स वाई खींची है जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है, और वो हाँ जो एक्स वाई लाइन है वो बाइसेक्टर का काम तो नहीं कर रही, हाँ लेकिन वो पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल, ए बी के और सी डी के, ई डी के, मतलब ए बी लाइन एक्स वाई लाइन और ई डी लाइन आपस में क्या पैरेलल है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बताओ ये एंगल ए था और ये डायग्राम तो पता ही था, फिर मैंने एक्स वाई लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल खींच ली थी, यहाँ तक सबको पता था, फिर बी को मैंने दो पार्ट में बांट दिया था, बी वन और बी टू में ना, उसके बाद B2 एंगल C के बराबर क्यों हो गया था, क्योंकि आप देखो ये वाली लाइन किसका काम कर रही है, ये पैरेलल लाइन और ये भी पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्स लाइन, इसका मतलब जो B2 एंगल होगा वो C के क्या होगा, एकांतर होगा, तो B2 जो एंगल होगा वो एकांतर कोण की वजह से C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये ए बी लाइन भी एक्स वाई लाइन के पैरेलल है तो अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, ठीक है। अच्छा अब बताओ यहाँ पे फिर मैंने जो दिया गया था, यहाँ पे a प्लस बी की जगह मैंने क्या लिख लिया था, b1 वन प्लस बी टू लिख लिया था, माइनस सी, तो b1 था ही था, और b2 टू क्या मैं क्या डाल दिया था, c डाल दिया, c से c कैंसिल, तो a प्लस बी वन के लिए क्या आ गया, 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है सबको, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हाँ हो गया, ठीक है, करना तो है ही है सारे क्वेश्चन, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए करते हैं। ये एक लाइन है ना, और ये एक लाइन है, और बस यही दो लाइन है ना, उसके अलावा एक लाइन ये ऐसे गई है ना मेरे भाई, और एक लाइन ये ऐसे गई है ना, ऐसे ही तो है डायग्राम समथिंग ना, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, और ये वाला एंगल 138 डिग्री है, ये वाला एंगल 138 डिग्री है, आपसे कह रहा है इस वाले एंगल का मान क्या होगा ना। चलिए देखो ये सारे क्वेश्चन जब डायग्राम देखो तो लगते हैं बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, अभी देखना दो बातें बोलूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है यार। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लो, क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र में जो ए बी है, ये वाली लाइन जो ए बी लाइन है वो सी के पैरेलल है, इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। उसके अलावा जो बी सी लाइन है, ये वाली लाइन जो बी सी लाइन है वो एफ जी के पैरेलल है, एफ जी के पैरेलल है, जो बी सी लाइन है वो एफ जी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, देख रहे हो, दिख रहा है ना सबको भाई, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समानांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा ही तो काट रही है, काट रही नहीं काट रही है, क्लियर है। उसके अलावा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी समानांतर है, इनको भी एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है, अब समझ में आता है, ठीक है। अब देखिए आगे की बात, ये वाला एंगल 138 डिग्री दिया गया, ये इस वाले एंगल का मान पूछा गया, यार ये बताओ अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं, इसको पूरा घुमा दूं तो बताओ ये 180 होगा कि नहीं होगा, यहां तक होगा कि नहीं होगा, अगर बेटा ये 180 होगा तो बताओ 180 में से 138 माइनस करोगे तो मेरे भाई ये 42 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है सबको, ये 42 आएगा कि नहीं आएगा, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अच्छा मेरे भाई ये बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो बताओ इस पैरेलल लाइन के और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, मतलब इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है वो 42 बन रहा है, तो अगर इसके बीच में एंगल 42 बन रहा है तो यहाँ भी पक्का क्या बनेगा,
यहाँ भी पक्का बेटा 42 ही बनेगा, नहीं बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई आप खुद देखो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं है, है कि नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक स्टेप और दिखा दे रहा हूँ। ये 138 से ये 42 कैसा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो बताओ ये भी, ये इसके तिर्यक रेखा का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई ये देखो BC लाइन और बेटा FG लाइन आपस में पैरेलल है, जो CD लाइन है वो तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो अगर ये 42 है तो मेरे भाई ये भी तो 42 होगा। नहीं, अब समझे, अब तो समझ में आ गया होगा ना। अगर ये 42 है तो ये भी तो 42 होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही तो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट लगा दो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इनको एक तिर्यक रेखा काट दी तो अगर ये 42 हो तो ये भी क्या होगा, 42 होगा। अब समझ बात आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में कह रहा है, पहले मैं डायग्राम आपके सामने बना दे रहा हूँ, ये समथिंग ऐसा डायग्राम है। ये ऐसा डायग्राम है ना, ये P है, ये Q है, ये L है, ये M है ना, ये R है और ये S है, और ये X डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 55, ये 55 डिग्री है, ये कितना है 55 डिग्री है ना। ठीक है, ये है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र में PQ, LM और RS आपस में पैरेलल लाइन है, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन में कह रहा है एंगल LRS का मान बताना है, LRS मतलब यही X का मान बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना यार मेरे भाई। एक बात बताओ, ये देख रहा हूँ PQ लाइन RS के पैरेलल है, अगर PQ लाइन आपस RS के पैरेलल है बताओ ये Z बना रहे कि नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर PQ लाइन RS के पैरेलल है तो ये जो RQ लाइन देख रहे हो, RQ लाइन एक तरह से तिर्यक रेखा का काम कर रही है दोनों के लिए। तो बताओ अगर ये 55 होगा तो बताओ ये पूरा एंगल भी क्या होगा, 55 होगा। नहीं समझे क्या भाई, ये Z फॉर्म हो रहा है ना, मैंने कहा था जहाँ भी ऐसे Z फॉर्म हो तो समझ जाना वे एकांतर कोण होता है। तो बताओ अगर ये 55 है, देखो ज्योमेट्री में सबसे बड़ी बात यही है कि आपका विजुअलाइजेशन कितना अच्छा होता है, जितना ज़्यादा अच्छा आप विजुअलाइज करोगे उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। और कैलकुलेशन तो होती नहीं ज्योमेट्री में। अगर ये 55 है तो बताओ ये पूरा भी 55 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ अगर ये 55 है, ये 30 है, तो बताओ मेरे भाई ये क्या तुम नहीं निकाल लोगे, 55 में से 30 घटा दो कितना आ गया, 25 आ गया। लोग कहानी खत्म हो गई, आंसर क्या आ गया, 25। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन नहीं है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। मैंने आज की क्लास में कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ सारे कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन लिए हैं कि आपका लॉजिक जितना अच्छा क्लियर होगा उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये एक ट्रायंगल टाइप का इन्होंने बना रखा है ऐसे, और ये ऐसे कर रखा है और ये ऐसे ना, और इसका नाम A है, ये B है, ये C है, ये F है ना मेरे भाई, ये D है, ये E है, ये X है ना, और ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री, ये 65 डिग्री है, ये कितना है 65 डिग्री है ना। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या हम पढ़ के से, हाँ कह रहा है AB जो लाइन है, ये वाली लाइन देख रहे हो, जो AB लाइन है वो CD लाइन के क्या है, पैरेलल है। AB लाइन और CD लाइन आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है D लाइन BF लाइन के पैरेलल है, जो D लाइन है ये वाली जो लाइन है ये BF लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है आपको X का मान निकालना है, ये X का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, X का मान निकालना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या, आप लोग करेंगे क्या, मैं ही करूं, चलिए मैं ही कर देता हूं। यार ये बताओ, ये 65 है, ये 40 है, तो 65 में 40 जोड़ो कितना आएगा, 105 आएगा। अगर ये 105 आएगा तो भाई ये 75 आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये मेरी बातें बच्चे समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। क्यों आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180। 65 में 40 जोड़ोगे कितना आएगा, 105 आएगा, और 180 में 105 गया कितना बचा, 75। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है जो AB लाइन है वो CD लाइन के पैरेलल है, अगर AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है तो बताओ
और ये BF एक तरह से जो BF है या जो FB है, जो FB है वो एक तरह से तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो AB लाइन और CD लाइन आपस में पैरेलल है, और जो BF लाइन है BCF लाइन है वो तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो बताओ पैरेलल लाइन के अंदर अगर ये 75 बन रहा है तो पैरेलल लाइन के अंदर ये भी कितना बनेगा, 75 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये मेरी बातें बच्चे समझ पा रहे हैं? क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा। अब आगे क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है जो BCF लाइन है, जो BF लाइन है वो DE के भी क्या है, पैरेलल है। और कल मैंने आपको एक इंटीरियर अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था? आंतरिक अंताभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट। इंटीरियर अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों एंगल इंटीरियर, दोनों एंगल पैरेलल लाइन के अंदर, क्योंकि भाई जो DE लाइन है वो CF लाइन के क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन में कह रहा है ना जो DE लाइन है वो BF लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर ये वाली लाइन पैरेलल है तो DE लाइन के अंदर भी ये पैरेलल लाइन के अंदर ही तो एंगल बन रहा है एक्स, और ये भी पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है, तो एक तरह से ये अंताभिमुख कोण हो गए कि नहीं हो गए? और कल मैंने आपको बताया था कि जो अंताभिमुख कोण होते हैं उन दोनों का जो योगफल होता है बेटा वो कितना होता है, 180 होता है। कल बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, ठीक है। अगर 180 होता तो 180 में 75 गया, ये कितना बचा, 105। कहानी खत्म, लो आंसर आ गया। क्लियर? बताओ क्या कोई सारे कॉन्सेप्ट कल वाले मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी के, इसीलिए मैंने आज की क्लास क्वेश्चन वाली रखी है कि कल के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, कि वो कॉन्सेप्ट आखिर मैं कहाँ लगा सकता हूँ। और हो सकता है कल की क्लास भी मैं क्वेश्चन के ऊपर ही रखूँ, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन समझ लो MPSI या MP Constable के एग्जाम में आने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये 65 है, 40 है, 105, तो बताइए कितना, 75। ये 75 तो ये भी 75, क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण ना, ये 75 तो ये दोनों अंताभिमुख कोण, बोले तो इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये 75 तो ये कितना, 105। कहानी खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। पहले फिगर बना लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। ये है ना, ये है, ये है, कुछ ऐसा है ना। चलिए उतना एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन पाया है, चलिए थोड़ा सही कर देता हूँ ना, ऐसा है, ठीक, ऐसा ही तो फिगर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है ना, ठीक है। और ये एंगल एक्स है, इसी का मान शायद आपको निकालना है। ये 100 डिग्री बोल रहा है और ये 25 डिग्री है ना भैया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन भी कितना आसान है, अभी देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए फिगर में जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। जो ए बी लाइन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और एंगल ए बी का मान 100 डिग्री दिया गया, तो एंगल सी डी ई का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा यार, अच्छा ये बताओ अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर मैं इस सी डी को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंड करूँ मतलब बढ़ा दूँ, अगर इस सी डी को बढ़ा दूँ, मान लो ये ऐसा सी डी एक्स हो गया, तो बताओ अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ जो ए बी होगा वो भी सी एक्स के भी क्या होगा, वो भी पैरेलल होगा। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो एक तरह से ये ई बी लाइन आप देख रहे हो, ई बी लाइन देख रहे हो भाई, हमेशा पैरेलल लाइन ही आपको ढूंढनी है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो जो ई सी लाइन है वो एक तरह से तिर्यक रेखा का काम करेगी, किसके लिए, ए बी के लिए और सी एक्स के लिए। तो बताओ अगर ये पैरेलल लाइन के अंदर ये 100 बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा, 100 बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा भाई, वही करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है सबको, ठीक है। ये सब धीरे चीज़ें धीरे धीरे आती, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, मुझे भी ये सारी चीज़ें सीखने में टाइम लगा था, ऐसा नहीं कि मैं एकदम इतना कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो आपके सामने बात कर लेता हूँ। इसके लिए धीरे धीरे जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको चीज़ें आती जाएंगी ना। तो देखिए यहाँ पे ए बी लाइन सी एक्स के लाइन के पैरेलल थी, तो बताओ अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण। बात समझ गए नहीं समझ गए? अब बताओ ये एक तरह से ये ट्रायंगल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अगर ये 100 है ये 25 है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 125 होगा ये। अब बच्चे कह रहे हैं वो कैसे आप कह सकते हैं, देखो बेटा अभी मैं अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो ट्रायंगल का पढ़ाऊंगा। ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है कि किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योगफल, किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योगफल
बाह्य कोण के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है ना, या किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण विपरीत आंतरिक कोण के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण ही तो है ना, ये बाह्य कोण है कि नहीं है, तो बाह्य कोण है तो इसके विपरीत आंतरिक कोण ये दोनों है कि नहीं है, तो ये जो बाह्य कोण है इन दोनों बराबर। अगर मान लो ये थ्योरम आपको मैंने नहीं बताई, कुछ बच्चे कह रहे हैं आपने नहीं बताई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ ये तो बताया, ये 100 है ये 25 है, तो बताओ ये 75 होगा, ये तो आप जान सकते हो ना, नहीं ये 75 नहीं होगा, सॉरी ये 50 होगा, नहीं सॉरी 50 भी नहीं होगा, अरे 180 में घटाओ ना, 55 होगा, 55। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है, ये 100 है 25 है, तो ये कितना होगा, 180 में से 125 गया ये 55 होगा, अगर ये 55 होगा बताओ ये पूरा 180 बनाता है कि नहीं बनाता है, तो 180 में से आप 55 घटा लो तब भी कितना आएगा, तब भी 125 आएगा ना, ऐसे कर लो ठीक है। वैसे वो थ्योरम लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे कैलकुलेशन देखो जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा थ्योरम आपको ज्योमेट्री में पता रहेंगी उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर वही क्या है कैलकुलेशन में उलझे रहो और आंसर फिर निकालते रहोगे ठीक है। अधिकतर लोग तो जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने लगते हैं तो उनका आंसर डेसिमल में आने लगता है, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हो करेंगे उनका आंसर डेसिमल में ही पता नहीं कैसे आने लगता है, समझ नहीं आता है ठीक है, तो वो सब आपको नहीं करना है। धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में भी मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, अगर क्वेश्चन नहीं कराऊँगा तो कल की क्लास में मैं ट्रायंगल शुरू कर दूँगा ठीक है, वैसे उम्मीद है कि क्वेश्चन ही कराऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, थैंक यू सो मच।